हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक हो चुके हैं आप सभी का मेरे चैनल पे। यार तो आज के बारे में यार लिटरली हम लोग वापस से फिटनेस के अंदर आ चुके हैं और यार लिटरली आज मैं आपको आपके लैग को फिक्स करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो यार आपके फिटनेस के अंदर यार बहुत लैग होता होगा, बहुत ही गेम खेलने में यार मज़ा नहीं आता होगा। तो यार इन सारी चीज़ों को मैं आज यार आपको फिक्स करने के लिए मैं बताने वाला हूँ। सो इससे पहले कि यार मैं आपको बताऊं, आप लोग यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करते हैं ना यार। तो इस वीडियो का एम लाइक रखते हैं यार 20 का, तो जल्दी से यार उसको भी कंप्लीट करवा देना। एंड सबसे पहले यार यहां पर मैं आपको यार दो ट्रिक बताने वाला हूं। एक तो यार आपको आइलैंड में हेल्प करने वाला है, मतलब कि आइलैंड के अंदर आपको प्रोटेक्शन देगा, मतलब कि लैग कम करेगा। एंड जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आपको हब के अंदर आपका वो लैग को कम करेगा। सो मैं आपको यार आज दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अभी मेरी इन्वेंट्री के अंदर बहुत ही गंदे वाला कचड़ा भर रखा था, तो अभी मेरे को अपने अंदर का कचड़ा भी साफ़ करना था। एंड कचड़ा साफ़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो यार सबसे बेस्ट तरीका होता है ना यार, वो यही होता है कि बाहर फेंक दो। लेकिन उसको फेंकने के लिए भी यार मेरे पास सारी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, मैंने ऑलरेडी सारे ट्रैश मैंने फेंक ही रखे थे। सो उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर से उड़ लेता है एंड उड़ का मैं चेस्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जितने चेस्ट बना सकता था उतने चेस्ट मैं बना लेता हूँ एंड देन क्या था, फिर चेस्ट लगाते एंड अपने आइलैंड का यार थोड़ा सा स्टोरेज बस इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, क्योंकि यार स्टोरेज की बहुत कमी हो रही थी। एंड मेरा आइलैंड अभी पूरा यार लिटरली क्या ही बोलूँ, पूरी तरीके से डिसेबल टाइप मतलब हो रखा है। एंड पता नहीं यार यहाँ पर क्या ही लैग कर रहा था। सो फाइनली यार ये वर्क तो कर गया। एंड सबसे पहले मैं इसके अंदर अपने सारे रून्स को रख देता हूँ यार, क्योंकि टैलिस्मैन नहीं यार, ओनली रून रखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी रून कोई काम का तो है नहीं। वैसे मेरे पास यार इपिक टाइप के रून्स आ चुके हैं वैसे तो। एंड ये आर्मर को भी रख देते हैं एंड इस वुडन पिकैक्स का कोई यूज़ नहीं है अभी एंड स्नोमैन का भी कोई यूज़ नहीं है एंड बिटमैन का नहीं यूज़ है, एंडरमैन का नहीं यूज़ है, स्पार्कलिंग रून का भी हटा देते हैं एंड जंगल एक्स ये सारी चीज़ें रहने देते हैं, ग्रोथ 5 को भी हटा देते हैं यार, कोई यूज़ नहीं है। तो अभी हमारे इन्वेंट्री में कुछ इतने आइटम्स बच रहे हैं एंड बाकी सारे आइटम्स को मैंने कलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। सो मतलब क्या स्नोमैन मैंने कलेक्ट कर लिया एंड अभी सिर्फ एक चीज़ बचता है एंड वो है ये, जिसके अंदर यार लिटरली पर्सनल कॉम्पैक्टर भी मैंने ऐड नहीं किया था, तो सारी चीज़ें फेंकना पड़ेगा क्योंकि यार ये इन्वेंट्री बस फिलअप कर देता है। सो कोई ना, अभी अपने नेक्स्ट मिनट यार किसी के पास नहीं है क्या भाई? तो हाँ यार मैंने लोगों से रिमूव कर दिया था। सो कोई ना, अभी चलते हैं यहाँ पर एंड अपने इस मिनट से कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि रेड स्टोन अभी हमें देने वाला है, तो इसने दे भी दिया एंड इस मिनट को भी कलेक्ट कर देता हूँ। सो और कलेक्ट करने का तो नहीं है, तो ये कितना दे चुका है यार कलेक्शन, अभी हमारा कितना बज रहा है। सो लेट्स चेक आवर माइनिंग कलेक्शन एंड 163 डन यार, ओनली फ्यू इज़ लेफ्ट। सो अभी हम लोग यार अपने ट्रिक के बारे में पता करते हैं, उससे पहले अपनी चीज़ों को सेल करके आता हूँ, उसके बाद यार मैं आपको अपना FPS इंक्रीज़ करने का और भी बहुत सारी चीज़ें और मेरी तरीके से आप कैसे यार रिसोर्स पैक यूज़ कर सकते हो वह मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मिलता हूँ यार वापस से आने के बाद। सो फाइनली वापस लॉग इन करने के बाद अभी जल्दी से अभी हम लोग चलते हैं एंड जाकर के सेल कर देते हैं। तो 7.4 कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास अभी एंड इंचेंटेड डायमंड यार हमें अच्छा खासा पैसे तो दे देते हैं। एंड सबसे पहले यार मैं सारे पैसे को डिपॉजिट कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास कुछ 8.4 मिलियन कॉइन्स है, तो अभी यार अभी हमें पिगमैन बैक करने के लिए यार 600K और चाहिए, तो उसके लिए यार मेरे को आपसे हेल्प चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक क्यूबिज्म बुक लगा देता हूँ। सो अगर आप लोग यार 600K का हेल्प कर देते यार तो अच्छी बात हो जाएगा। एंड यार यहाँ पर मैंने 200K का स्पाइडर रिंग लगाया था जो कि बिक चुका है यार, अच्छी बात है जो कि। सो अभी हम लोग यार जल्दी से चल करके इसको ऑक्शन पे लगा देते हैं एंड देखते हैं यार आप लोग कितने का बिड करते हो एंड इसको स्विच टू ऑक्शन करते हैं। स्टार्टिंग बिड ड्यूरेशन टाइम कर देते हैं 48 आवर्स एंड क्रिएट ऑक्शन कर देते हैं यार कंफर्म। सो यहाँ पर अभी मैंने लगा तो दिया है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि यार FPS का। सो अगर आप लोग यार हब के अंदर हो, तो अभी मैं हब के अंदर हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको हब के अंदर का बता देता हूँ। सो अगर आपको यार अपना FPS इंक्रीज़ करना है, सो उसके लिए सबसे पहले अभी मैं आपको अपना FPS दिखा देता हूँ। तो 8 का FPS आ रखा है, तो अभी मैं इसको यूज़ करना है आपको एंड प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाना है एंड देन यहाँ पर सॉरी यार प्रोफाइल मैनेजमेंट में नहीं, आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाती है आपको पर्सनल सेटिंग में जाना है एंड हेयर यू कैन सी प्रोफाइल व्यूअर एंड डबल टैप टू ड्रॉप
हाइड प्लेयर एंड हाइड मैप। सो यहाँ पर से भी आपको सिर्फ हाइड प्लेयर को ऑन कर देना है, जिससे क्या होगा आपको यहाँ पर कोई प्लेयर नहीं दिखेगा। एंड अभी आपका FPS है 12 से 13 जा चुका है, जो कि पहले ओनली 8 का था। एंड यहाँ पर आपको चैट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आपको और इंक्रीज़ करना है सो उसके लिए आपको ऑप्शन में आना है, चैट सेटिंग में जाना है। अगर आपको कोई यूज़ नहीं है तो आप इसको हिडन कर सकते हो, जिससे क्या होगा यार यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एंड अभी अगर आप देख सकते हो तो भी हमारा यहाँ पर FPS 14 के अराउंड जा रहा है, 15-14 के अराउंड जा रहा है। सो इस तरीके से यार यहाँ पर अभी आप लोग अपना आइलैंड मतलब यार हब के अंदर अपना FPS इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड थोड़ा सा भी FPS यार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देख सकते हो यार मेरे पास अभी 20 का FPS आ चुका है जो कि, एंड इसी तरीके से यार आप लोग भी अपने आइलैंड पिन यार सॉरी हब के अंदर अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको कभी यूज़ करने का टाइम आया तो भी आप उस टाइम के लिए ऑन कर लेना, एंड फिर बाद में यार आप उसको क्लोज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से यार आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले यार मैं कम से कम अपना चैट सेटिंग ऑन कर देता हूँ, शोन कर देते हैं, डन एंड हियर वी गो। एंड अभी जो भी हमारा नेक्स्ट है वो है आइलैंड पर से, तो उसके लिए तो भी हमारा यार आइलैंड पे के अंदर जाना ही पड़ेगा। सो चलते हैं आइलैंड पे एंड वहाँ पर से मैं आपको यार ट्रिक बता देता हूँ। एंड यार जहाँ पर पोर्टल के अंदर जाते यार मैं पता नहीं कहाँ पे आ जाता हूँ, एंड मेरा पूरा इन्वेंट्री के अंदर यार ये पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वाटर बकेट टाइप चीज़ें। एंड यहाँ पर लिटरली यार पूरा सर्वर ही बदल जाता है ऐसा लगता है। एंड यहाँ पर प्रिजन फ्रैक्शंस एंड किट पीवीपी एंड स्काई ब्लॉक चीज़ें आ जाती हैं। एंड पता नहीं यार मैं यहाँ पर कैसे आ जाता हूँ, सो क्या दिक्कत है यार यहाँ पर। तो अभी यार यहाँ पर हम लोग स्काई ब्लॉक की तरफ चलते हैं, तो शायद से यार यहाँ पर हब चेंज हो चुका है, तो लेट मी चेक। एंड यार यहाँ पर स्काई ब्लॉक है एंड मिनियन शॉप है एंड बाजार है। सो अभी हम लोग यार अपनी SMP पे आ चुके हैं, मतलब कि यार अपने स्काई ब्लॉक SMP पे। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखा होगा, तो मेरा एक लाइफ स्टाइल SMP भी है। तो मैंने यहाँ पर अभी यार अपने लिए एक स्काई ब्लॉक SMP बनाया, तो क्योंकि यार यहाँ पर भी आप लोगों के साथ मतलब कि यार फेक पिक्सल जो है मेंटेनेंस पे जा चुका है, तो मैं यार यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। एंड मैं आपको सेकंड ट्रिक जो कि आइलैंड पे है होता है जो यार कम FPS को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बता सका हूँ। तो कोई नहीं यार, वैसे तो यहाँ अभी आप लोग जब तक यार फेक पिक्सल मेंटेनेंस पे हो तो आप लोग यार हमारे स्काई ब्लॉक का करके खेल सकते हो। वैसे तो यार मैंने इसको एक दिन के अंदर बनाया है, एंड अभी यार मैं इसके अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि यार अभी के लिए तो यार ओनली आपको यही 3 दिखने वाला है। एंड इन 3 का वर्क्स भी बहुत स्पेशल है। तो मिनियंस के अंदर यार आपको इन टाइप के मिनियंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि यार बेस्ट 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 मिनियन है। एंड यहाँ पर यार डिस्कॉर्ड को आप लोग मेरे ज्वाइन कर सकते हो, एंड MPSMP का डिस्कॉर्ड भी अगर आप लोग चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मेयर इलेक्शन चल रहा है। एंड अगर आप लोग चाहते हो यार कि आप मेयर बनो तो आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। सो यह अभी तो 2 अभी यार एक इलेक्शन ऑलरेडी चल रहा है। सो आप लोग यार नेक्स्ट इवेंट के अंदर अगर आप अच्छे अच्छे पर्क्स देते हो तो आप भी मेयर सिलेक्टेड हो सकते हो। एंड यहाँ पर स्काई ब्लॉक है एंड देयर इज़ योर बाजार, एंड बाजार समथिंग लाइक दिस एंड हियर यू कैन सी। एंड यहाँ पर यार हम लोगों ने स्पॉनर्स भी ऐड किया, क्योंकि यार यहाँ पर थोड़ा कस्टम चीज़ें तो ऐड करनी था। एंड यहाँ पर कस्टम आइटम्स एंड कस्टम क्रिएट्स वगैरह भी क्रिएट वगैरह भी ऐड होने वाले हैं। एंड दिस इज़ द मेन थिंग दैट इज़ कॉल्ड स्काई ब्लॉक। सो एज़ यू कैन सी आई ऑलरेडी प्लेड सम थिंग्स हेयर एंड देर इज़ द स्काई ब्लॉक। एंड इफ़ यू नीड हेल्प देन यू जस्ट हैव टू टाइप स्लैश इज़ हेल्प। तो अगर आप ये लोग यार यहाँ पर इतना ही टाइप करते हो तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाने वाली, स्लैश चैलेंज, स्लैश सेटिंग, स्लैश एक्सपेल, बायोम्स, केक, लीव, इनवाइट। तो यार अगर आप इतना ही करते हो तो आपके पास सब कुछ आने वाला है। सी द टॉप रैंक्ड आइलैंड स्लैश इज टॉप। एंड अभी यार मैंने यहाँ पर किसी को ऐड नहीं किया, इसलिए यहाँ पर आपको अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। एंड स्लैश इज रिसेट स्लैश सेट होम स्लैश लेवल स्लैश लेवल प्लेयर। सो अभी आपको यार स्लैश इज लेवल करके देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको यार किसी और प्लेयर के आइलैंड पे विजिट करना है सो एटलीस्ट 10 इसका मतलब क्या 10 स्काई ब्लॉक पॉइंट्स आपको चाहिए, मतलब कि लेवल चाहिए यार। एंड एज यू कैन सी मेरे यहाँ पर लेवल 1 है, एंड आप जितनी बार मरोगे यार आपके पॉइंट्स उतने ही लेस होते जाएंगे। तो मरने से बचो यार, अगर आपको लॉबी के अंदर जाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर से स्लैश लॉबी कर देना है, जिससे क्या होगा आप यहाँ पर लॉबी के अंदर आ जाओगे एंड आपका पॉइंट माइनस नहीं होगा। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत जल्द इसको ये ऐड कर देंगे, एंड स्काई ब्लॉक तो ऑलरेडी एडेड है। तो अभी यार अभी हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट करने वाले, तो अभी के लिए तो यार इसका IP आप लोगों को पता ही होगा, डिस्कॉर्ड पे जो होंगे। एंड बाकी यार आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका IP मिल जाएगा। एंड जहाँ तक बात रही है हमारे सर्वर के FPS की, तो यार ये 33 का FPS देता है, जो कि फेक पिक्सल से ज़्यादा दुगना है।
एंड जो आप मैंने आपको ट्रिक बताया यार, आप उसका यूज़ कर सकते हो लैग को कम करने में। सो मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपको यार उस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए, मतलब कि इस वीडियो का, तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ, क्योंकि यार मैंने आपको पूरा टोटल वीडियो नहीं बना सके दे सका क्योंकि फिक्सल मेंटेनेंस पे जा चुका है, जैसे ही मैं आयरलैंड पे जाने वाला था। सो मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।